अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शोएब वाली एंड यू आर वाचिंग चैनल लाइफ फॉर शोएब 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीद शाफ़ सफ़र चाय और इतम और जिस सुबह की शुरुआत होती है सुबह सुबह के नाश्ते के साथ बच्चों का हार्डी लजीज नाश्ता जो कि है ब्रेड विद मिल्क एंड शुगर, ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर वो लोग वो खाते हैं। और मैंने जनाब ये जो दूध वाला जो ताफ्तान होता है, जो दूध वाली रोटी होती है ना, इसको मैं अच्छी तरीके से ना पानी में भिगो कर और उसमें अच्छी क्वान्टिटी में घी डाल के क्रिस्पी सा फ्राई कर लेती हूँ। ऑल्दो मुझे ना ये हाफ ही लेनी थी और सफ़ा थोड़ा बहुत ले लेती है तो बस ये इनफ होती है मेरे लिए, तो मैंने इतनी फ्राई की। और यहाँ पर जनाब हमारे यहाँ पर आ गई थी ज़बरदस्त सी मिठाई जो कि न्यू बॉर्न की खुशी में थी, तो हमने सोचा वाई नॉट वी ऑल आर टेकिंग इट एंड वी ऑल आर इन्जॉय। तो बहुत अच्छी थी, तमाम तरह फ्लेवर्स की जो मिठाई थी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने इन्जॉय की। और यहाँ पर जनाब आज हम एक बहुत छोटा सा ब्लॉग के लिए सरसरी तौर पर बना रही हूँ जिसपे आपने ज़रूर गौर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आया कि मैंने व्लॉग जो है जिस टॉपिक पर कवर अप किया है ये मैंने सही किया, ये मेरी काविश जो है वो बिल्कुल सही थी या नहीं। आजकल जनाब जो सफ़ा का गम है ना वो बहुत बुरी तरीके से पेनफुल हो रहा है, उसके अंदर लग गई है कैविटी बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ जंक फूड इनटेक कर रहे होते हैं छोटे बच्चे। अगर आपके घर में होते हैं या उनको नहीं पता होता कि कितनी कैविटी वो पर डे के हिसाब से ले रहे होते हैं, यानी सुबह हुई है मेरे बच्चों की तो उन्होंने डिमांड ही ऐसी की है कि भाई हमें खानी तो दूध चीनी वाली ब्रेड खानी है और चीनी की क्वांटिटी, चीनी का अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो गया। और फिर उन्होंने खा ली मिठाई, अगर वो मिठाई नहीं खाते तो फिर वो जाकर कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आते या फिर कुछ टॉफ़ीज़ बंटीज चॉकलेट जेलीस लॉट्स ऑफ जंग आइटम लेकर आते हैं और फिर जो है अपने दांतों को बुरी तरीके से ख़राब कर लेते हैं। यही कुछ सीन हुआ है यहाँ सफ़ा के साथ, और सफ़ा के एक दांत के अंदर जो है ना बहुत बुरी तरीके से जो है कैविटी जो है वो लग गई थी जिसकी वजह से पूरा दांत जो है ना वो ख़राब भी हो गया था और बहुत ज़्यादा ना उनके लिए पेनफुल मोमेंट था। तो कब से हम लोग है ना इनकी सर्जरी करवाने की कोशिश कर रहे थे मगर है ना टाइम कभी हमें नहीं मिला था, कभी है ना डॉक्टर के पास टाइम नहीं था, तो फाइनली आज हम लोगों ने इनकी करवा दी है। और फिर ये है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और इस तरीके से इनकी आदत है तो प्लीज़ उनको कोशिश करें कि दिन के अंदर ट्वाइस अ डे या फिर ना ट्रिपल टाइम अ डे जो है ना वो अपने दांतों को अच्छी तरीके से ना ब्रश की आदत डालें, क्योंकि ये जो है ना रियल दांत जो होते हैं ना वो अपने रियल होते हैं, अदरवाइज़ जो है आर्टिफिशियल की बात ना वो ऐसी नहीं होती। तो कोशिश करना है कि जो हमारे कुदरती दांत हैं उन्हीं को बचाना है, उन्हीं की सफाई सुथराई का ख्याल करना है, कोशिश करना है कि बच्चों को कैविटी से बचाना है और इस तरफ नहीं लेके जाना, अदरवाइज़ जो है ये दांतों की बीमारी जो है ना जैसे कि होता है कभी ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग रहा होता है, कभी सेंसिटिविटी जो है ना हमारे दांतों के अंदर बहुत बुरी तरीके से ना बिल्ड हो रही होती है जो कि बच्चों के दांतों को काफ़ी हद तक ख़राब कर देती हो, और जब दर्द होता है ना तो फिर वो जो है बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पे सरसरी मेरे टॉपिक को कवर करने का मकसद ये था कि आपने अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करनी है कि उनको अवॉइड करवाना है ह्यूज अमाउंट ऑफ मीठा खाने से, और अगर वो खा लेते हैं बाई चांस तो फिर उनको ना थोड़ा ज़रा उनको गाइड भी करना है कि भाई अपने दांतों की सफाई का ख्याल करो, क्योंकि फिर जो अगर कैविटी वगैरह हो गई ना तो फिर संभालना और बर्दाश्त करना तुम लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने इनकी सर्जरी वगैरह करवाई, ऑल्दो जो मैं समझ रही थी इतना कोई पैनिक था नहीं, और फिर आराम से हो गई इनकी तमाम तरह वो सर्जरी वगैरह, और फिर डॉक्टर ने इनको एहतियाती तदाबीर बनाई बताई और कुछ मेडिसिन वगैरह लेके हम लोग आए घर पर, और घर पर हमने इंजॉय किया अपना डिनर और लेट नाइट हमने इंजॉय की ये गर्म गर्म चाय जो कि कराची लवर्स हर बार इंजॉय करते हैं। कोशिश करती हूँ आज मेरा आपको छोटा सा टॉपिक छोटा सा व्लॉग जो है पसंद आया होगा। होप यू गाइस लाइक टुडेज एफर्ट, टुडेज व्लॉग विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपना अपने जाने वालों को अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, जिंदगी बखैर, कर फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। स्टे ट्यून्ड, फाइनली फेम आने ला। इन द लास्ट मैं कहना चाहूँगी यू मस्ट ट्राई टू फॉलो अनदर प्लेटफॉर्म शहीद रील, और अगर आप लोग शहीद को फॉलो कर रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म पर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, स्नैकैप एंड अदर टिकटॉक प्लेटफॉर्म शहीद रील्स ऑल्सो अवेलेबल देयर।